हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हो मेरे प्यारे, उम्मीद है सबके सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन लेके आए हैं, हॉट टॉपिक चल रहा था बहुत ज्यादा, हमने वीडियो डाली, आप लोगों ने वो भी देखी होगी, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव एक हो चुके हैं। हाँ। और काजल ने इस शुभ अवसर पर एक चुम्मा दे के, मतलब क्या बोलते हैं, दिन बना उद्घाटन सा कर दिया है और हमारा दिन बना दिया है। देख के बड़ा मजा आ गया और कमेंट भी यही आ रहे हैं कि भैया मैं 20-30 बार देख चुका हूँ, बार बार देखने का मन कर रहा है वीडियो को। तो सच में वो बहुत प्यारा सीन था, वो मतलब वो क्या बोलते हैं, कोई रोमांटिक वाला किस नहीं था, वो बड़ा फ्रेंडली किस था, समझ सकते हो ना आप लोग, बड़ा प्यारा, मतलब छेड़खानी वाला। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसीलिए हमारा मन कर रहा था कोई स्टेज शो, एक साथ स्टेज शो करते हैं, और हम बहुत ज़्यादातर स्टेज शो कर चुके हैं। तो आप लोग, एक तो रिक्वेस्ट है, खेसारी लाल एंड काजल राघवानी का जो भी स्टेज शो है वो हमें कमेंट करके बताओ, जो हमने नहीं किए हो हम उन पर भी रिएक्शन बनाएंगे जितने हो सके, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस चैनल पे है अभी स्ट्राइक, चैनल बंद हो सकता है, इसलिए हम इस चैनल पर सेफ्टी पर्पज से चलेंगे 2-3 महीने, कि भाई जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है सिर्फ वही डालेंगे, वीडियोज हैं वही डालेंगे, ताकि चैनल सेफ रहे। और नया चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लो, चैनल का नाम है फिल्मी रिएक्ट्स, ताकि उस चैनल पे भी सब्सक्राइबर बढ़े और हम उस पर भी रिएक्ट करते रहें, उस पर नए सॉन्ग्स रिएक्ट करते रहें, इस पर पुराने सॉन्ग्स रिएक्ट करते रहें, और काम ऐसे ही तालमेल बना रहे। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप समझ गए? हाँ, तो आप भी समझ गए ना? हाँ हाँ, करो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेज शो एंजॉय करते हैं। थोड़ा पुराना स्टेज शो है खेसारी लाल एंड काजल राघवानी का, लेकिन जोड़ी वही है, चेहरे वही हैं, अंदाज वही होने वाला है, जो हमें और आप सबको पसंद आता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस धमाकेदार जोड़ी को, आगे बढ़ते हैं। कितनी पुरानी वीडियो है, फौजी बोल रहे थे, खुश हो रही है नहीं है? खुश नहीं है फौजी बोल रहे। चलिए, गुजरात की है और गुजरात की होने के बावजूद भी हमारे भोजपुरी में इनको इतनी मोहब्बत मिल रही है। अच्छे गुजरात की काजल राघवानी का एक सौभाग्य है, इनकी मेहनत है, जो इन्होंने इस 3-4 साल में सबसे ज्यादा हिट गाना इन्होंने दिया है। क्या बात है। चाहे हम ही पिया जी के पतरी तेरी आवाज हल्का था, चिकन सम्मान बाप जी का तहर, चिकन सम्मान तो हम भुलाइए गलती, चिकन सम्मान अब कहा जाने भाई, हम नहीं देखे हैं तो हम कैसे बताए। फीलिंग कीजिए आप। फीलिंग कर रहा हूँ, फीलिंग। और सरसों के सगिया, और मैं जब मेहंदी लगा के, और हरदिया भी जो हिट किया है कि हरदिया तमन्ना करी ताजा तरदिया, अभी सेहरा का एक गाना हिट किया है मेरा इनका, जो कि प्रियंका सिंह ने ही गाया है, और आप सबके बीच में बहुत प्यार है उनको मिला, वो भी आएगी गाएंगी आप सबके बीच में, जो भी आप बोलेंगे इनके साथ। जब मैं गाना मेरा ऐसे 3-4 फिल्में मैंने जाने मन किया था इनके साथ, हथकड़ी नहीं किया था ना, जाने मन किया था, इंतकाम किया था, दबंगा से किया था, हिट रही सारी फिल्में। इनके साथ जब मैं एक लीड रोल किया पहली बार, दिल से काम किया मेहंदी लगा के रखना में, आप लोग ये बताए कि मेहंदी लगा के रखना कितनी अच्छी लगी? अच्छी लगी। मैं चाहूंगा कि मेहंदी के लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। ऐसे ही फिल्म मैंने अपने अभी करियर में 3 फिल्में की है, एक फिल्म मुरु है जो भगवान शिव पे एक बहुत बड़ी कहानी है, और मेरी जिसमें एक बेटी है जिसका नाम है कृति, सबको याद है कृति के पापा न भूलिया की बारी, बोले भी आई है ससुरारी। हाँ, बलोरो लेके आवो नहीं हो ये तारा ही बरसाया नर नाम
तो इनके साथ जब मेरा पहला गाना शूट हो रहा था, शायद मैं अपने करियर में उतना कभी नहीं रोया था। रोया था फिल्म में रोया था, इसे नहीं रोया था। उन सब मगरमच्छ का आंसू था। लेकिन अच्छा लगा इनके साथ काम करके, कि इतिहास की पन्ना पे लिखने वाली फिल्म जो कि हम अपने माँ बहन के साथ भी देख सकते हैं। बहुत ऐसी कम भोजपुरी की मूवी बनती है। आजकल तो सिर्फ साउथ पैटर्न के लोग मूवी बनाते हैं, भोजपुरी कल्चर से बहुत दूर हटके लोग बना रहे हैं। लेकिन मैंने कोशिश किया था और आज हर एक इनके साथ मैंने दीवानापन फिल्म किया। एक सिंगर और एक हीरोइन की कहानी है कि एक गरीब लड़का कैसे एक हीरोइन से प्यार कर बैठता है और उसको अपनी जान तक देनी पड़ती है। एक आम आदमी की कहानी है जहाँ दीवानापन में तब बजा दो। और वो गाना था, रुक जा दीवानापन का, काहे खेसरिया के भूल गए कि वो खत दिया है तो भूल गई लोली, काहे खेसरिया के भूल गए लू। सुपर प्रियंका सिंह जी ने ही गाया है, उनसे जरूर गवाद होगा मैं। ठीक है, सुपर यार इनका आज का स्टेज शो देख लो, पुराना देख लो, ये झुमा ही देते हैं, मजा आ जाता है। मतलब यार इनका नेचर ही ऐसा है, पर्सनालिटी ऐसी है कि ये एंटरटेनमेंट करे। थोड़ी काजल ना इसमें थोड़ी वो थी, शर्मा रही थी शायद, नहीं नहीं आई थी उस टाइम, कुछ ही गाने की मूवी करी थी शायद इसलिए। बाकी भैया काजल तब भी प्यारी लगती थी, आज भी प्यारी लगती है, आज थोड़ी ज्यादा प्यारी लगती है क्योंकि थोड़ी फ्रेंडली हो गई है और ज्यादा खुल गई है, खुल के एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को। इसलिए खेसारी लाल यादव पहले से खुली किताब है, उनको तो भैया चुप नहीं करवा सकता कोई, इसीलिए उनको बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला है। क्योंकि भैया स्टेज में छोड़ो, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता, जब वो एंटरटेन करते हैं तो हवा उड़ा देते हैं, वाट बढ़ा देते हैं सच में। तो माइंड ब्लोइंग स्टेज शो था, ऐसे अच्छे अच्छे और भी स्टेज शो हमें सजेस्ट करो। और हम लोगों को पता है आप लोग जरूर बोलोगे भैया मेहंदी लगा के रखना का रिएक्शन कर दे। तो भाई लोगों, आप में जिनको नहीं पता है चैनल पे आ चुकी है, स्ट्राइक चैनल है खतरे में, यह चैनल आपका अब यूट्यूब परिवार है खतरे में, इसीलिए थोड़ा सब्र करो और दूसरे चैनल पे सपोर्ट करो, उस पर जल्दी सब्सक्राइबर करवा दो, 10,000 उस पर कर देंगे रिएक्शन। इस पर तो देखो मुश्किल है क्योंकि अभी 3 महीने के लिए चैनल तो बुक हो गया। हाँ, 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने में उस पर अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ा दो ताकि हम उस पर रिएक्शन कर दें। इस पर तो देखो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, 3 महीने तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ वीडियो जिन पर हमें 100% यकीन है कि ये नहीं कुछ गलत करेंगे हमारे साथ, वो डाल देंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।